नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरओ के वायरिंग करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने जैसे फिल्टर को भर जाएगा तो लाइट चेंज हो जाएगी, जब फिल्टर ऑन हो जाएगा तो लाइट चेंज हो जाएगी, मतलब कि ग्रीन लाइट पे फिल्ट्रेशन और ब्लू पे टैंक फुल आएगा। इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं इस वीडियो में प्रॉपर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, एलईडी लाइट को लेंगे, जिसमें इसमें चार वायर लगी हुई है, तो इसमें हमने सबसे पहले कॉमन वायर को ढूंढना है। कॉमन वायर का मतलब क्या होता है कि कौन सी लाइट से, कौन इसमें से न्यूट्रल है और बाकी तीन जो इसमें फेस हैं। तो बारी बारी स्टेप स्टेप करके हम चेक करेंगे। आप कोई भी तार लगाओगे ऐसे एलईडी खराब नहीं होती है, सिंपल बस ऑन नहीं होगी लेकिन ख़राब नहीं होगी। तो हमने स्टेप बाई स्टेप सभी तारों को लगा के चेक किया, तो यहाँ पे हमारा जो रेड और ब्लैक वायर है इससे हमारा जो एक एलईडी ग्लो कर गई है। तो सभी को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे बारी बारी सर। यहाँ पे हमने एक ब्लू, ब्लैक और रेड को कनेक्ट किया। तो इसमें हमने क्या करना है, एसएमपीएस की दो वायर होती है उसको दोनों बदल के भी चेक करना है, ताकि जो कई बार अगर न्यूट्रल फेस भी गलत लग जाएगा तो भी नहीं ऑन होगा। तो यहाँ पे हमने सभी को चेक किया, तो रेड हमें कॉमन मिल गई है। आप देख सकते हैं रेड पे जो है हमारी एलईडी लाइट ब्लिंक कर रही है। और जब रेड रेड और ग्रीन और येलो को लगाते हैं तो अलग अलग एलईडी लाइट चलती है। देखिए आप देख सकते हैं, येलो पे लगाएंगे ग्रीन चलेगी, ग्रीन पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमारी ब्लू चलेगी। तो रेड को हमने पक्के तौर से कनेक्ट कर दिया एक बार, बाकी को आप देखें, चेक करेंगे बारी बारी सर। आपने ऐसे ही चेक करना है, पहले कॉमन ढूंढनी है। देखिए ग्रीन पे ब्लू और ब्लैक पे रेड चल रही है, तो हमारा जो यहाँ तक काम हो गया है, हमने कॉमन ढूंढ रही है। कॉमन क्या है, रेड वायर इसकी कॉमन है, आपके कोई भी कलर हो सकता है, कलर कई बार चेंज आ जाते हैं, तो कॉमन वायर हमें मिल गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो उसकी ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, जो टैंक फुल वाली लाइट है उसको हम जो हमारी फ्लोट स्विच है उसके सेंटर वाली पिन होती है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एसएमपी इसको हमने आरओ में फिट करना है, और फिट करने के बाद यहाँ पे जो इसकी कॉमन वायर थी, कॉमन मतलब कि एलईडी की रेड रेड जो कॉमन है और एसएमपीएस की जो कॉमन न्यूट्रल है, उससे हम पंप का कनेक्शन कर देंगे, एक वायर लेके एक इसकी एसवी से कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा जो पॉइंट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो हमने कॉमन वायर को ज्वाइंट कर दिया है, तो इसके बाद हम जो एसएमपीएस की एक वायर बची है जिसको हमने अभी प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया है, इसके साथ हम फ्लोट स्विच की कॉमन वायर, कॉमन वायर कौन सी होती है, फ्लोट स्विच की ऊपर वाली, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एलईडी की येलो कलेक्ट कर दी है, इसको हम बाहर निकालेंगे और फ्लोट स्विच की हम येलो को लगाएंगे। तो कन्फ्यूजन हो गई थी यहाँ पे, ऊपर वाली जो वायर है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसको खोल के हम इसके साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा एसएमपीएस का दूसरा कनेक्शन भी हो चुका है। इसके बाद जो भी वायर बचेगी एसवी की, पंप की, एलईडी लाइट की और फ्लोट स्विच की, उस सभी चारों वायर को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एलईडी लाइट है वो प्रॉपर तरीके से ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे बटन दबाएंगे ये लाइट चेंज हो रही है, तो ऐसे इसका कनेक्शन हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।